नमस्कार दोस्तों, आप लोग बीच में देखिए कुछ दिन गायब हो गया, इसके लिए सॉरी। हमें देखिए डेंगू हो गया था। प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज में बहुत तेज़ी से देखिए डेंगू फैल रहा है। थोड़ा सा आप कहीं भी हो, अपने खान पीन में, अपने रहन सहन में और मच्छरों से आप लोग बचें, नहीं तो देखिए आपकी पढ़ाई में देखिए बाधाएँ हो सकती हैं। अब जा कर के देखिए हम रिकवर हो गए हैं। 4-5 दिन देखिए वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी। अब आपको डेली देखिए वीडियो आएगी, ऑल गवर्नमेंट से रिलेटेड अपडेट हम करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी आई हुई है, इसका देखिए फॉर्म देखिए फिलअप हो रहा है, ठीक है। मर्चेंट नेवी का है, इसमें हम A to Z बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या सिलेबस है, क्या सैलरी है, कौन कौन इसको फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। इसमें देखिए मर्चेंट जो नेवी है, टोटल देखिए पोस्ट कितनी है, 1836 है, ठीक है। इसका देखिए अप्लाई जो डेट है, इस देखिए 18 जुलाई से लेकर के 7 सितंबर तक, ठीक है। इसका देखिए फॉर्म देखिए अप्लाई हो रहा है। अभी तक जो स्टूडेंट अप्लाई नहीं किए हैं और मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, वो देखिए इस फॉर्म को ज़रूर देखिए, अप्लाई करें। इसमें देखिए क्या है ना, ये लिमिटेड है, ठीक है, ये डायरेक्ट सरकारी नहीं है, ये लिमिटेड है। लेकिन इसमें देखिए बहुत अच्छा खासा देखिए सैलरी होती है। इसमें देखिए सैलरी की हम बात करेंगे, इसमें देखिए 35,000 देखिए स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है, वो भी आपको भारत में। यदि और कोई कंपनियाँ, यदि कोई विदेश कोई कंपनी आपको हायर करती है तो आपको वहाँ पे देखिए ज़्यादा देखिए पैसे रहेंगे, वहाँ पैसे देखिए रियाल में या फिर डॉलर में वहाँ पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो भारतीय रुपया से बहुत ज़्यादा आपका पैसा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए जो आपका जो एग्ज़ाम जो होगा, यहाँ पर देखिए सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। 2023 में सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो एज है, एज लिमिट क्या रहेगी, 18 साल से लेकर के 25 साल तक, ठीक। इसमें देखिए 7 देखिए तरह के देखिए पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है। पहला देखिए टेक, देखिए ट्रेनिंग का देखिए कितना है, देखिए इसमें देखिए 12th पास मांगा है, ठीक है। इसमें देखिए 12वीं पास मांगा है, 306 इसमें देखिए पोस्ट है, ठीक है, 306, ठीक। और इसमें देखिए इंजन देखिए रेटिंग का देखिए कितना है, इसमें देखिए 10th देखिए पास मांगा है, इसमें 219 पोस्ट है, ठीक है। और देखिए सीमेन में देखिए, इसमें देखिए 12वीं देखिए पास मांगा है, इसमें 182 पोस्ट है, ठीक। और इसमें देखिए इलेक्ट्रीशियन का, इसमें देखिए 10th देखिए पास मांगा है, प्लस ITI होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ठीक है। इसमें देखिए 98 देखिए पोस्ट है, ठीक। और देखिए वेल्डर और हेल्पर का देखिए, इसमें देखिए 10th पास मांगा है, प्लस ITI होना चाहिए, ठीक। इसमें देखिए कितना पोस्ट है, 456 पोस्ट है, ठीक है, कितना, 456। और इसमें देखिए मेस देखिए बॉय में कितना, 10th पास, इसमें 303 देखिए पोस्ट है, ठीक। इसमें कुक वाले में 10th पास है, 272 पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम बाद में जानेंगे कि देखिए सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए 100 क्वेश्चन होता है और 100 नंबर का रहता है, ठीक है। इसमें देखिए निगेटिव देखिए मार्किंग नहीं रहता है, ठीक। और देखिए लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश आप दोनों में अपना एग्जाम दे सकेंगे, ठीक है, चाहे हिंदी में दीजिए चाहे अंग्रेजी में दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए GK से आपको देखिए 25 क्वेश्चन रहेगा, आपको देखिए साइंस से देखिए 25 क्वेश्चन रहेगा, आपको इंग्लिश से देखिए 25 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश तो रहना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए कि तो मर्चेंट नेवी का, ठीक है। देखिए जो वैकेंसी जो हम बता रहे हैं, ये देखिए डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लिंक ना पाएँ सरकारी रिजल्ट पे, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। इसमें देखिए कैसे देखिए आपका क्या होता है, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम देखिए आपको लोकल एरिया में होगा, ठीक है, आपको कहीं दूर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। आप जहाँ पे पहला जिसे ऑप्शन चूज करेंगे, जैसे प्रयागराज ही चूज करेंगे, तो आपका प्रयागराज में ही रहेगा, लोकल में ही रहेगा, ठीक है। आप लोग उससे टेंशन ना करें। अब मात्र जो फी लग रही है, जो फी भरने का, इसमें देखिए जो फी है मात्र इसमें 100 रुपये है, ठीक है। इसमें जो फी है मात्र 100 रुपये है। और इसमें देखिए सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेल ही भर सकते हैं, ठीक है, फीमेल नहीं भर सकते हैं, सिर्फ मेल के लिए, ठीक है। इसमें देखिए कैसे देखिए जॉब देखिए पाया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए सिस्टम ये होता है, मेरिटाइम देखिए एक अकेडमी है, वो देखिए लॉन्च की है, ठीक है। वहाँ देखिए पोस्ट होता है, जैसे आप तो पास कर लिया तो डायरेक्ट, जैसे आपको मर्चेंट नेवी में है तो आप वहाँ चले जाएंगे, बिना सीखे का आप पास रहेंगे तो कोई काम थोड़ी नहीं कर पाएंगे। आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको पहले सारा चीज़ें। तो सिस्टम क्या है यहाँ पे है, देखिए लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन देखिए पैसा देखिए बहुत अच्छा खासा इसमें है। देखिए मेरिटाइम कंपनी क्या है इसमें ना, ये वैकेंसी निकाली हुई है, ठीक है। यदि आप पास कर लेंगे तो उसमें क्या सिस्टम है, आपको ट्रेनिंग देगा, ठीक है।
मेरिटाइन जो मतलब एकेडमी है आपको देखिए ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद जब आप तैयार हो जाएंगे, देखिए भारत की कुछ कंपनियां, कुछ विदेश की कंपनियां उस देखिए एकेडमी को हायर करती है, वहाँ पे आती हैं कि हमें बच्चे चाहिए, टेंड बच्चे चाहिए, तो वहाँ पे देखिए वो टेंड किए हुए बच्चे रखे रहते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में, तो जितने आवश्यकता रहता है 500, 600, 1000, 2000 वहाँ से बच्चे ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आपको यदि भारत मिल जाती है यदि आपको तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, आपको 35,000 देखिए सैलरी स्टार्टिंग है, और यदि आपको कोई देखिए विदेश कोई कंपनी आपकी ले जाती है उसमें देखिए आपकी सैलरी बहुत अधिकांश देखिए रहने वाली है। ठीक है, आपका पैसा जो मिलेगा वहाँ पे देखिए वो डॉलर मिलेगा। ठीक है, यही देखिए इसमें प्रोसेस है, और देखिए इसमें साल भर देखिए काम नहीं रहता। ठीक है, इसमें मात्र 5-6 महीने काम रहता है, अपना 5-6 महीने पैसे अच्छे से कमा करके अपना फिर बैठ जाइए। ठीक है, तो बहुत अच्छी जॉब है, इसमें ज़्यादा कोई कुछ नहीं है। जो जाना चाहते हैं, जो मर्चेंट नेवी में जो जो सैनिक जो बनना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं भारत का, वो देखिए फॉर्म जरूर अप्लाई करें, मात्र 100 रुपये फी है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है। ऑनलाइन का देखिए करने का डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेशनल देता है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।